नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव शिवहर। शिवहर विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर कमर कस रखी थी, वहीं मतदान प्रतिशत को भी बढ़ाने की जिला प्रशासन की चुनौती भी थी। हालांकि सुबह में मतदान करने की भीड़ जुटी रही, धीरे धीरे 10 बजे के आसपास 30% तक मतदान होने की सूचना प्राप्त हुई थी। दोपहर में हालांकि बहुत कम लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे थे, फिर जैसे ही 2 बजे मतदान देने के लिए बूथों पर भीड़ जुटने लगी, 3 बजे तक 40% मतदान होने की खबर मिली, 4 बजे तक 50% मतदान होने की खबर प्राप्त हुई। जबकि मतदान का निर्धारित समय 5 बजे अंतिम समय है, वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सूचना जारी की गई है कि 5 बजे से पहले जो भी लाइन में लग जाएंगे उनको मतदान करने की छूट दी गई है। ऐसे में 60% तक मतदान होने की आंकड़ा व्यक्त की जा रही है। इस बार महिलाओं ने भी जमकर मतदान किया। मतदान को लेकर दिव्यांग लोग भी बूथों पर पहुंचने लगे। हालांकि दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर सहित कई उपकरणों की व्यवस्था शहर छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं की गई थी, जिससे अच्छा खासा दिव्यांग नाराज भी दिखे। ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क की व्यवस्था नहीं की गई थी, ना वहाँ पर डस्टबिन था। बड़े बुजुर्गों को मतदान केंद्र पर ले जाने के लिए लोग काफ़ी मशक्कत करते देखे गए। शिवहर विधानसभा में 139 सहायक मतदान केंद्र तथा बेलसंड अंश में 55 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए। शिवहर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह के द्वारा 22 शिवहर विधानसभा क्षेत्र में 427 बूथ बनाए थे, जिसमें 139 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए थे, जबकि 30 बेलसंड अंश जिला शिवहर 179 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 55 सहायक मतदान केंद्रों की संख्या थी। शिवहर विधानसभा क्षेत्र में 205 भवन में 427 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जबकि बेलसंड विधानसभा क्षेत्र में 82 भवन में 179 केंद्र बनाए गए थे। शिवहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 160,351 पुरुष निर्वाचक थे, जबकि 142,370 महिला निर्वाचक, वहीं 16 तृतीय लिंग तथा कुल 327,337 मतदाता, जबकि 30 बेलसंड विधानसभा अंश के लिए 66,626 पुरुष निर्वाचक, 58,629 महिला निर्वाचक, कुल 125,256 मतदाताओं को विधानसभा में भाग लेना था। धन्यवाद, देखते रहिए लाइव शिवहर।